बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्रेश टिप्स एंड ट्रिक्स। वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप पॉलीगॉन कैसे इस्तेमाल करोगे, लेकिन वीडियो से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल का आइकन भी दबाएँ ताकि आपसे लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। बिना टाइम वैसे हम चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला आप AutoCAD ओपन करें, AutoCAD ओपन करने के बाद आप यहाँ पॉलीगॉन आप पहला सर्कल ले लें। आप पहला सर्कल ले लें, ठीक है। मैंने सर्कल ले लिया, हम वो सेंटर पर ले आते हैं, जेड स्पेस ए स्पेस, ठीक है, जेड स्पेस ई स्पेस, ठीक है, वो सेंटर पर आ गया। फिर इसके बाद हम पॉलीगॉन पर क्लिक करते हैं, ठीक है, पॉलीगॉन पी ओ पॉलीगॉन, ठीक है। यहाँ पर आ गया एंटर नंबर ऑफ साइड्स, कितने साइड आप लेते हैं पॉलीगॉन का, प्रेस करें, हम 5 लेते हैं, ठीक है। वो कहता है कि आप सेंटर ले लें, किस सेंटर पर आप पॉलीगॉन ड्रा करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर ड्रा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया है हम यहाँ पर आई पर क्लिक कर आई एंटर कर दे आई एंटर, ठीक है, वो सर्कल से बाहर आ गया है, ठीक है, आई से मतलब सर्कल से बाहर, और सी से सर्कल के अंदर ड्रा हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हम इस पर इसको हम रेडियस देते हैं कि ये कितने प्रेस करें, हमने 5 दे दिया, ठीक है, जेड स्पेस ई स्पेस, और सेंटर पर आ गया। मैंने 5 कोने दे दिए उस पॉलीगॉन को। हम फिर एक दूसरा पॉलीगॉन लेते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर हम उसको 6 साइड लेते हैं, ठीक है, और हम सेंटर भी यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम इसको सी सी इंटर करते हैं, ठीक है, हम इसको 3 रेडियस देते हैं ताकि वो सर्कल के अंदर आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये पॉलीगॉन ड्रा करने का तरीका है, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉलीगॉन ड्रा करने का तरीका है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको AutoCAD के बारे में सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये पहला टूल बार है, लाइन है, पॉलीगॉन फुली लाइन पॉलीगॉन टूल, फिर इसके बाद रेक्टेंगल है और आर्क और सर्कल वगैरह, हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताएंगे और इंशाल्लाह दोस्तों से भी शेयर करें और अपने और खुद भी इससे फ़ायदा उठाए, ठीक है, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी शेयर करें ताकि वो सब्सक्राइब करें और इससे फ़ायदा उठाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।